वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात महमूद शाह साहब एक बड़ा अहम सवाल है और आपने भी य देखा होगा कि हमारे यहाँ भी इस पर बहुत कुछ लिखा गया है वेस्ट में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि जब अफगानिस्तान में ये जंग खत्म होगी या अमेरिकन ट्रूप्स आहिस्ता आहिस्त निकलेंगे तो जो वो अमेरिका का नक्शा जो वो अफगानिस्तान का नक्शा देखते हैं अमेरिकन और जिस तरह हम अफगानिस्तान को देखना चाहते हैं वो बहुत फ़र्क है यानी कि हमारे और उनके स्ट्रेटिक्स एम में काफ़ी डिफरेंस है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ताल्लुक जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और अब रॉक बॉटम को हिट कर चुके हैं मेरे पास अभी भी ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर चल रही है कि क्रॉस बॉर्डर क्लैशे फिर हुए हैं जिनको डिफ्यूज़ कर दिया। कोई जानी नुकसान दोनों तरफ से नहीं हुआ आप समझते हैं यही मसले की जड़ है कि हमारे एम्स एम्स और उनके छब्बीस के मॉर्निंग को आ, ये वाकया दो मई के वाकये से बड़ा वाकया है और वहाँ पर पाकिस्तान को जो वाकयाती और ज़मीनी जो स्टडी किए हैं, उनसे उनको पता चला है कि ये बिल्कुल डिलीवरेट अटैक था प्लान अटैक था और ये किसी प्लान का हिस्सा है जो कि सनेस्टर प्लान है जो कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हो सकता है तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने ये कंक्लूड किया है कि ये एक किसी वाज इशारा है किसी प्लान की तरफ और अभी तक वो इस नतज भी नहीं पूछे कि वो क्या प्लान है वो क्या करना चाहते हैं लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान को इससे ज़रूर ख़तरा है इसलिए उन्होंने जो है वो इंक्वायरी या कोई और जो है उनसे इनकार किया है कि हमें मालूम है कि क्या हुआ है और पाकिस्तान की सबसे जो स्टेप्स लिए गए हैं मैं समझता तो हूँ ये फ़ाइनल है टर्मिनल है यानी ने नेटो की रूट की सप्लाई बंद करना शमसी एयरबेस को ये वहाँ पर बोर्न में न जाने का और अभी जो है ये भी मतलब महमूदी फैसला इसका मतलब क्या ये है क्या इसका मतलब यह है कि नेटो सप्लायर परमानेंटली हमने उनकी बंद कर दी है जैसे मलिक साहब कहते हैं रहमान मलिक साहब कि हमने स्टॉप कर दिए सस्पेंड नहीं किए इस मरतबा हमने तो हमने ये जो मुआदा था कि वो हमारा एयरबेस इस्तेमाल करेंगे या हम उनको जो है ये रूट देंगे अफगानिस्तान में सप्लाईज ले जाने के लिए वो हमने परमानेंटली खत्म कर दिया उनसे मेरे ख्याल में जो है ये परमानेंट है अभी जो है हुकूमत इसी सोच में है कि जो अल्टरनेटिव पॉलिसी है वो क्या होगी इसी के ऊपर सोच विचार जारी है मगर मैं समझता हूँ कि इसमें और जो पुराने इंसिडेंट जितने भी हो चुके हैं ये नहीं है कि एक फ़ौजी चौकी के ऊपर हमला हुआ है तो शायद ये बात है इससे पहले भी फ़ौजी चौकियों के ऊपर हमले होते रहे आपको पता है कि में एजेंसी पर हुआ था तो हमने नेटो रूट बंद किया था कुछ दिनों के लिए इस तरह इसी मोहम्मद एजेंसी में एक पे हुआ था और मेरे ख्याल में इस इंसिडेंट में चौदह से ज़्यादा हमारे जो सिपाहीज हैं सोल्जर्स हैं वो शहीद हो चुके हैं लेकिन हमने उनको शक का फ़ायदा दिया है लेकिन इस में और मैंने जो ब्रीफिंग है वो भी अटेंड की है उसमें वा वाकई ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल जानबूझ ब्लेटेंटली और बहुत रूथलेसली और इससे जो उनकी स्टिस्टिक एटीट्यूड है वो नज़र आती है जिस तरीके से उन्होंने इन दो पोस्टों को डिस्ट्राई किया है चुन चुन के हमारे लोगों को उन्हें शहीद किया है तो मेरे ख़्याल में उसके बाद वो ये सोच में पड़ गए हैं कि वो प्लान क्या है जो वो करना चाहते हैं एक तो ये फॉर कंक्लूजन है कि अमरीका अफ़ग़ानिस्तान में अमन नहीं चाहता वो इस रीजन में अमन नहीं चाहता उनके अहदाफ शायद कुछ और हैं उनके वो फ्यूचर के लिए की रोल की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में जो इस्तुल में भी उन्होंने बातचीत की आ, उनकी बातचीत थी कि जो ओ एस सी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ यूरोप जो कि कोल्ड वार के अंदर जो है बनाया गया था जिसमें नेटो का एक रोल है और अमेरिकन का एक रोल है उसी का मॉडल यहाँ उन्होंने पेश किया जिसको रूस ने भी रिजेक्ट किया चाइना ने भी रिजेक्ट किया पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट किया और इंडिया ने भी रिजेक्ट किया वो इतना बोले नहीं उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तानी ज्यादा बोलेंगे तो मैं समझता तो हूँ ये फैसला कि आगे बोन में इस पे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो रीजनल लोग हैं हम जो इधर अफेक्टेड है इस तमाम चीजों से वो तो इसकी तरफ आ नहीं रहे हैं वो तो कुछ ब्रिगेडियर साहब से भी इस पर जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ फिर से पूछेंगे आपने गुफ्गु सुनी और ये तो आई पर हमें बता ही चुका है कि डेलिबरेट अटैक था ये और हम अब ये वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं क्यों वो अपने इतहादी पर हमला करेंगे आ, लेकिन क्योंकि हम ये पहले ही उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये डेलिब्रेट अटैक था तो हम पीछे नहीं हट सकते तो आप भी यही समझते हैं सहमत साहब के जो इकदाम लिए हुकूमत ने जिसकी हमें जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि नेटो सप्लाईज हमने फौरन अगले दिन ही रोक दी हमने एयरबेस भी खाली करने का उनको कह दिया लेकिन इस पर हम कायम रह सकेंगे और अब इस पर से पीछे हटना नामुमकिन हो गया है इसका मैं जवाब दूंगा लेकिन मैं आपसे इजाजत चाहूंगा तीस सेकेंड लूंगा जहां तक जाली डिग्रियों का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी साहब की बात करूंगा कि वो जाली डिग्री पर डिस्कालीफाई हुए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई फिर वो इलेक्ट हुए जहां तक बाकियात का ताल्लुक है तो ये भी एनआरओ की बाकियात है आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंटिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल इशू जहाँ तक बात है इस नेटो अटैक की तो तरीके इंसाफ को बहसीत एक पोलिटिकल पार्टी के और मुझे एक एनलिस्ट से जो कि मसलसल इस सूरत हाल को नाइन्टी सेवन से देख रहे है। हमें कोई शक नहीं है कि यह पाकिस्तान की जंग नहीं है ये अमरीका के मफादात की जंग है पाकिस्तान इस जंग में एक दफ़ा जब झोंका गया है उसके बाद हम इसमें फंसते चले गए और हमें इसकी कोई एग्जैक्ट स्ट्रेटजी नहीं मिल सकी और ये पाकिस्तान की बका की जंग है लिहाजा अमेरिका के जो डिज़ाइन है वो सिनेस्टर हैं वो उनके जियो पोलिटिकल जियो हैं अगर आप देखें जैसे कि ब्रिगेडियर महमूद साहब ने कहा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो हो रही है यूरोपियन थिएटर में बलिस्टिक मिजाइल डिफेंस फैलता चला जा रहा है जिसके ऊपर प्यूटिन साहब ने आज स्टेटमेंट दिया कि वो सप्लाई रूट्स भी रोकेंगे उसके बाद कंटेनमेंट ऑफ चाइना का इशू है एक टॉक शो में एक आर्टिकल में मैं ये कह चुका हूँ कि वो पाकिस्तान से मवालात को शिफ्ट करके सेंट्रल एशिया में ले, ले जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका की ज़्यादा हो और चाइना और रशिया की अंडर वैली के ऊपर जो है वो उनको हर वक्त तंग करते रहें उनको स्क्वीज़ करते रहें तो ये सारे अजायम हैं इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं फिट होता पाकिस्तान मेरे लिए सबसे बड़ी जो जो सवाल है और हर पाकिस्तानी का है कि पाकिस्तान की अफवाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया इसके ऊपर मैं हूं। लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रेटजी को समझता हूं ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को समझता हूं हाँ। मुझे मुझे पहले भी कहा था कि ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और हम ये सवाल करते हैं लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या फौज जो है हमें हमारा दिफा कर सकती है अगर कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा या नहीं कर सकती लेकिन पलवशा साहब मुझे आ, मेरी गुजारिश है कि इसी फ्लो में मुझे ये बात कर लेने दीजिए क्योंकि मैं शुरू हुआ हूँ एक टेंशन में एक वॉर ऑफ में एक एस्केलेशन की लैडर होती है उसमें रफ्तार रफ्ता जो है वो एस्केलेशन बढ़ती चली मैं आपको देता है साहब इस वक्त अलाउ अलाउ मी मी कि मैं पहले पलवशा से ये सवाल कर लूं कि हम पहले भी ये रेजोल्यूशंस पास कर चुके हैं एपीसी में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में कि हम रिव्यू करेंगे रिविजिट करेंगे पॉलिसीज को लेकिन हमने ऐसा नहीं किया अब एक डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है क्योंकि हमारे चौबीस जवान जो है वो शहीद हुए हैं तो क्या ये हतमी फैसला हो गया है हुकूमत की जानब से कि अब पहले जैसे मामला नहीं रहेंगे और जो फैसले हमने किए हैं उन पर हम अटल रहेंगे उनसे पीछे नहीं हटेंगे शहजाद आपने का डिफाइनिंग मोमेंट है मैं एग्री करूंगी कि इससे ज़्यादा डिफाइनिंग मोमेंट हमारी हिस्ट्री में शायद आ, पहले कभी नहीं आया और आ, आपने अप्रीसीट किया और आ, मैं इस बात को अप्रिसट करती हूँ कि पूरी कॉम जो है वो एक यूनाइटेड स्टैंडस जो है आ, पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉग और यूनाइटेड स्टैंड लिया और पूरी कॉम तो से कह रही है? आप लोगों ने थोड़ी देर कर दी मुतहद हो गई एक मिनट लेट मी प्लीज अलाउ मी टू फिनिश पूरी कौम एक यूनाइटेड स्टैंड के साथ मुतहद हो गई इस बात को आपको भी अप्रिसट करना चाहिए और मैं भी कर रही हूँ एंड आई फील वेरी इस वक्त मुझ में मुझ में भी एक जो नेशनलिज्म की स्पिरिट हमने मैं फील कर रही हूँ कि हम सब एक इस वक्त एक एक, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और इसमें कोई दरार नहीं है चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है व्हेन इट कम्स टू सोवरेनिटी एंड व्हेन इट कम्स टू हमारी मुल्क की सालमियत उस पर सब मैं देख रही हूँ कि हम साथ खड़े हैं और इस पर आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा मैं ये समझती हूँ इस वक्त एक और डिफ़ाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में है वो ये है कि इस वक्त हम ईस्ट की तरफ देख रहे देख रहे हैं वी आर लुकिंग ईस्ट नाउ आर टर्निंग ईस्टवर्ड अभी आपने आप ही के चैनल पे ये इस वक्त भी फ्लैश करी है न्यूज़ uh, के इस, इस रशियंस ने भी इस वक्त मिज़ाइल जो यू, यूरोपियन मिसाइल सिस्टम है उस पर अपने खदशात का इजहार किया है और उन्होंने भी नेटो सप्लाई लाइंस को बंद करने का अंदिया दिया है दिस इज़ गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम पाकिस्तान प्रिंसिपल स्टैंड और आप देखेंगे कि इस पर इस पर बैकआउट करना अभी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ़ बैंग आउट

Uh, there are नो no टू things अबाउट इट दिस इज़ अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इस वक्त आपकी foreign पॉलिसी एक बड़े बड़ी चेंज से दो चार है और एक पॉजिटिव चेंज से दो चार है और इस वक्त वेस्ट और जिन्होंने ये हमला किया है वो इस वक्त खुद परेशानी का शिकार हैं आपने देखा जो जर्मन चांसलर ने भी कॉल किया हामिद करजई ने भी कॉल किया और वो जो हमारे खिलाफ एक, आ, आ, एक मुकदमा था कि हमारी सरजमीन उनके खिलाफ यूज़ होती है वो उनके खिलाफ ख़ुद ही प्रूव हो गया लिहाजा आई थिंक हम इस वक्त बड़ी स्ट्रॉग पोजिशन पे खड़े हैं स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ वॉर विच शुड वी के नॉट डिक्लेयर उस से उस स्टॉपिंग शॉट ऑफ वॉर हमने हर वो काम किया है जो हमें करना चाहिए और इसमें इस, इस वक्त अवाम की तायद विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बियॉन्ड पार्टी सब मेरे ख्याल से मेरे समेत दोनों हमारे जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है वो भी अप्रिशिएट करेंगे अब तक जो एग्जाम लिए गए हैं लेकिन क्या ये काफी है क्या अमेरिका को वाकई इससे बैकफुट पे भेजा जा सकता है या फिर हमें कुछ और करने की जरूरत है इस पर भी हम बात करेंगे और बड़ा अहम सवाल अल डिस्कस दिस आफ्टर मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है ब्रेक के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे नाजी हमारे साथ रहिए